राजेश टोपे जी क्या बोले क्या नहीं बोले, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इसको महत्व ज़्यादा है। पहले हमको भी सब जातिवादी बोलते थे, आज हमको सेकुलर बोल रहे हैं, कल को MIM को आज की तारीख में MIM में भी लोग आ जाएंगे। देखो स्टेडियम के लिए बहुत बड़ी जगह लगती, बहुत बड़ी जगह लगती, कम से कम 10 20 25 30 एकड़ जगह लगती, लोगों को बैठने के लिए लगता। अभी क्या घोषणा किया किसने किया ये मैं बोलता नहीं, ये जो आमखास जो मैदान है अपना, इतना बड़ा स्टेडियम, इसके अंदर क्रिकेट के हिसाब से या फुटबॉल के हिसाब से या हॉकी के हिसाब से ये नहीं बन सकता है। स्टेडियम बनाना नहीं बनाना ये पॉलिटिकली बातें मेरे को समझ में नहीं। तीन ओवर 21 रन एक विकेट के नुकसान पर, तो अभी भी 30 गेंदे 34 रनों की जरूरत। तो वेलकम सर निसार कुरैशी साहब और हमारे आज के खुसूसी मेहमान मुख्य अतिथि किशन चंद तिवारी साहब। सर वेलकम, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर। तो दोनों ही टीम के कप्तानों से गुजारिश है कि यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि खुसूसी मेहमान आ चुके हैं, टॉस के लिए आ जाए। आंखों ही आंखों में यहाँ पर रन, तीन रन बटोर लिए हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने, और चीते के मानिंद दौड़ते हुए दोनों ही युवा बल्लेबाज नबील अहमद और जनाब किशन चंद तिवारी साहब हैं हमारे। हमारे आज के मुख्य अतिथि खुसूसी मेहमान जनाब किशन चंद तिवारी साहब के हाथों से टॉस हो रहा है। और यहाँ पर फारूक कुरैशी मित्र मंडल से तरफ से ये जो क्रिकेट के सामने यहाँ रखे गए, आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। एक टीम का मैंने भी 6 ओवर 7 ओवर यहाँ पे देखा बैठ के, बहुत अच्छा वातावरण है और करीब करीब 10 टीम यहाँ पे है और ये 12 तारीख को इसका फाइनल होने वाला है। ये लीग मैच है, इसके अंदर अलग अलग खिलाड़ियों को पूरे शहर के सब मिल के आके एक जगह पे आके ये जो वातावरण फारूक कुरैशी जो बनाया हुआ है स्पोर्ट्समैनशिप का, इसको मैं मेरे तरफ से बधाई देता हूँ। और जितने भी खिलाड़ी, जितने भी 10 के 10 टीम्स है, फिर उनके स्पॉन्सर होंगे, उनके आइकॉन होंगे, सब खिलाड़िया होंगे, सबको मेरे तरफ से शुभेच्छा। इतना ही मैं बोलता और फिर एक बार फारूक कुरैशी का अभिनंदन करता कि ये इनका बहुत सालों से ही करते आ रही है, आगे भी इससे भी अच्छा और कैसा करते आएंगा, इसको क्या मदद लगेंगी, क्योंकि खिलाड़ियों को खेल को प्रोत्साहन देना ये सबका ही काम है और हम भी मदद करेंगे। इसी मैदान पे आईजे टूर्नामेंट हुआ था जिसमें खासदार साहब ने अपना सपना बताए थे, ख्वाहिश बताए थे कि मेरा ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक बड़ा भव्य स्टेडियम बने, जिसमें अंबादास दानवे साहब आए थे, उन्होंने भी जो है तो हामी भरी थी। आप क्या कहेंगे? स्टेडियम बनाना नहीं बनाना ये पॉलिटिकली बातें मेरे को समझ में नहीं आती। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ सब खिलाड़ों को प्रोत्साहन देने के लिए आया हूँ, और स्टेडियम यहाँ बनना है कि आप लिया औरंगाबाद शहर के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेडियम 30 गांव के बाजू में वड़गांव कोलाडी में तैयार हो गया हुआ है। अब ये जगह भी जैसी है कि स्टेडियम यहीं बनना, फिर वॉक बोर्ड की जगह है, फिर ये झमेले में न जाते हुए स्टेडियम बना बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बना तो अपने शहर में एक स्टेडियम बन रहा, लेकिन ये जगह खिलाड़ों को भी मिल रही, खेलने को भी हमको मिल रही, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये स्टेडियम बना तो बहुत अच्छी बात है। आप राजनीति से हटके बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक राजनीति का सवाल ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि औरंगाबाद की कमान आपके हाथ में दी है शिवसेना ने। राजेश टोपे साहब आए थे 2 दिन पहले औरंगाबाद में, उन्होंने कहा था कि BJP और MIM दोनों जातिवादी पार्टी है, हमको इनको ख़त्म करना है और सेकुलर पार्टियों को जो है तो आगे लेकर आना है। आपने BJP में भी काम किया है, तो आप क्या कहेंगे? कैसा है कि राजेश टोपे जी क्या बोले क्या नहीं बोले, हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, इसको महत्व ज़्यादा है। पहले हमको भी सब जातिवादी बोलते थे, आज हमको सेकुलर बोल रहे हैं, कल को MIM को आज की तारीख में MIM में भी लोग आ जाएंगे। MIM वंचित के साथ में थी, जो पार्टी जैसा काम कर रही मैं जैसा काम कर रहा, मैं सबको साथ में लेके, अभी से नहीं शिवसेना में पहले से भी था, बाड़ा साहब थे जब से भी लेके, मैं महापौर था, ये शहर अपना है, ये शहर का विकास अपने को ही करना है,
तो ये पॉलिटिकल इलेक्शन सिर्फ 10 दिन 15 दिन के इलेक्शन रहते, साल में 3 बार इलेक्शन होते रहते, बाकी अपन ने सब ने मिल के ही अपने शहर का विकास कैसा होता इसके तरफ अगर पॉलिटिकल बातें न करते हुए इसके तरफ ख्याल दिए तो अपना शहर बहुत आगे निकल जाएगा। एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकल नहीं है, आपको क्या लगता है आपके मन में क्या है, यहाँ पे एक भव्य स्टेडियम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए नौजवान बच्चों? देखो स्टेडियम के लिए बहुत बड़ी जगह लगती, बहुत बड़ी जगह लगती, कम से कम 10-20-25-30 एकड़ जगह लगती, लोगों को बैठने के लिए लगता। अभी क्या घोषणा किया किसने किया ये मैं बोलता नहीं, ये जो आमखास जो मैदान है अपना, इतना बड़ा स्टेडियम, इसके अंदर क्रिकेट के हिसाब से या फुटबॉल के हिसाब से या हॉकी के हिसाब से ये नहीं बन सकता है। हाँ स्टेडियम बना नहीं है तो इंटरनल गेम के लिए और गेम्स को कुछ प्रोत्साहन देने का है, क्योंकि उसको स्टेडियम को जगह बहुत बड़ी लगती, बहुत बड़ी जगह लगती। अरे यहाँ बनेगा तो फिर स्टेडियम इतना बड़ा नहीं हो सकता जहाँ लोग जो आज खेल रहे, ऐसा बड़ा नहीं हो, क्योंकि इसको गैलरी लगेंगी, स्टेडियम बोल तो हर चीज़ लगती है उसको, तो इधर बनना ये सबकी अगर किसकी इच्छा है तो होने को होना, लेकिन यहाँ पे बनना पॉसिबल है कि नहीं है मैं टेक्निकल नहीं है, मेरे को पता नहीं है। ये सबसे पहले तो मैं हमारे जो आज गेस्ट आए हमारे तनवानी साहब, निसार कुरैशी साहब, अजय भैया, उनका सभी का दिल से हमारी कमेटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया। और ये जो टूर्नामेंट है हमारा सीज़न 3 है, हमने इससे पहले 2 सीज़न किए, जो पहले क्रांति चौक से पैटर्न गेट तक हुआ कर रहा था वार्ड वाइज, उसके बाद तो हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हमने इसको शहर तक ही ले गए। हमको हमारे टूर्नामेंट चाहते थे लोग कि शहर में हमको ही मौका मिले, तो हमने उसे औरंगाबाद शहर के लिए पूरा किया गया है, जिसमें 10 टीमें हैं और 5 लीग मैच हमने रखे हैं, जो आज 6 फरवरी से शुरू हो रहा है और इतवार के रोज़ आने वाली 12 तारीख को इसका फाइनल रहेगा। एक दिन में कितने मैच ले रहे हैं? एक दिन में हम कंटिन्यू 4 मैच ले रहे हैं और संडे के रोज़ 2 सेमीफाइनल और फाइनल रहेंगे 12 तारीख के रोज। टूर्नामेंट लेने की क्या खासियत है और क्यों लिया जाता है टूर्नामेंट? हमारा हमारे हमारी ये ख्वाहिशत है कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स से जुड़ा हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, और हमारे जो अजहर काजी थे जो सीनियर प्लेयर, उनका इंतकाल हो चुका था, तो हम उनकी याद में रखते हैं। और स्पोर्ट्स से ऐसा है कि नौजवान बच्चों को मौका मिलता है कि वो स्पोर्ट्स से जुड़े, जैसा आज माहौल ख़राब है शहर में, वो नशे में बच्चे जा रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो छोड़ के वो स्पोर्ट्स से जुड़े, चाहे क्रिकेट हो, फिर फुटबॉल हो, हॉकी हो, स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए सभी। ओके, आपका नाम और पोस्ट क्या है? मेरा नाम फारूक कुरैशी है, मैं इस टूर्नामेंट का कमिश्नर हूँ। फाइनल मैच का इनाम और फर्स्ट इनाम सेकंड इनाम क्या? जी फर्स्ट हमने जो रखा है इनाम, जो विनर टीम है उसे 61,000 है और सेकंड प्राइज जो है तो 41,000 रुपये और ट्रॉफी प्लस है और मैन ऑफ द सीरीज साइकिल है। ये कितने टीमों का टूर्नामेंट है? ये 10 टीम है इसमें और सभी 5 लीग मैच किए जाएंगे 2 ग्रुप में।